और परिसभा के अंदर उसका चीरहरण करने की चेष्टा कर रहा था। तो उस समय पर क्या किया उसने, वो सबके सामने देख रहे थे, वहां पर पंच पांडव बैठे थे, उसके पांच पांच पति, एक से एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में, तलवार में, इतने सर्वश्रेष्ठ उसके सारे पति थे। सबकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि कोई मेरी रक्षा करेगा। किसी ने रक्षा करी, किसी ने रक्षा नहीं करी। उस समय पर वहां पर गुरुवर्ग भी थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, उनकी तरफ उसने आशा भरी निगाहों से देखा कि ये मेरी लाज रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं करी। वहां पर जो राजा थे, राजपान धृतराष्ट्र, उनकी तरफ देखा उन्होंने, वहां पर भीष्म पितामह थे, सबकी तरफ वह आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि इस विपदा के समय पर कोई तो मेरी रक्षा करेगा, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन जब उसे दोनों हाथ रखकर हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी, जब एक बार भगवान का नाम पुकारा था, भगवान वहां पर तुरंत उपस्थित हो गए। भगवान ने देर लगाई आने में, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान साक्षात वहां पर उपस्थित होकर और उनको वस्त्र प्रदान किए, है कि नहीं। आप देखो जब रामायण के समय पर भगवान राम सीता की खोज में निकले हैं, अभी पता चल गया है सीता जी समुद्र पार लंका में है, अशोक वाटिका में है। अभी समुद्र कैसे पार करेंगे, समुद्र पार करेंगे पुल बना के। तो भगवान राम को पुल बनाना पड़ा, किससे पुल कैसे बना बताओ, पत्थर से। और पत्थर के ऊपर क्या लिखा था, राम। भगवान का नाम लिख लिख के उन्होंने पत्थरों से पुल बनाया। जितनी शक्ति भगवान में थी, भगवान को स्वयं पुल की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन भगवान के नाम से वो पुल बन गया और उसको अनायास, उसके व्यवहार करते हुए भगवान ने समुद्र को पार किया। तो इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरी से बड़ा हरी का नाम, जितनी शक्ति भगवान में है उनसे ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः, कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के अनेक नाम है, राम कृष्ण दामोदर गोपाल, इतने सारे भगवान के नाम है। और ऐसा नहीं उन नामों के अंदर शक्ति नहीं है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति उन नामों में संचरित कर दी है, भगवान ने सारी शक्ति उन नामों में संचरित कर दी है। और फिर ये भी नहीं बताया कि तुम मेरा नाम से सुबह सुबह जप करना, भगवान नाम जप करने के लिए कोई विधि भी नहीं बताई, कोई काल नहीं बताया निर्दिष्ट काल, इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करना या रात में ही जप करना या दिन में जप मत करना, कोई विधि नहीं रखी। भगवान का नाम इतना सुलभ है कि जब चाहो तभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और इसके ऊपर कोई विशेष काल भी नहीं रखा, ठीक है, पूरा कोई काल भी नहीं रखा। उसके बाद में भी बताने की कलयुग का जीव इतना दुर्भागा है कि उसको नाम में श्रद्धा ही नहीं होती। आप देखो चार पांच लोग साथ में बैठ जाओ, दुनिया जहान की बातें करते करते घंटों बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा कितनी था, इधर उधर की चुगली करते हुए, इसकी बहू ने ये किया, इसकी सास ने ये किया, उसके घर में ये हो गया, इधर उधर की बातें करते करते घंटों घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोलो थोड़ा भगवान का नाम करो, भगवान की माला जप कर लो, बोले हमारे पास इतना काम है, काम से फुर्सत कहाँ मिलती है, 17 बहाने आ जाते हैं, है कि नहीं। सच बात है ना, सच बात है। क्यों ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं ऐसा क्यों, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जीव पापी है, पूर्व पूर्व जन्मों में बड़े पाप किए हैं, इसलिए भगवान का नाम मुख से जीवन निकलता नहीं है, जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस जो यदि कोई मेरा नाम ग्रहण कर रहा है, आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, सुना है ना वाल्मीकि का नाम, वाल्मीकि का नाम किस किसने सुना बताओ, उन्होंने महाभारत लिखी थी, महाभारत लिखी थी ना, वाल्मीकि जी ने महाभारत लिखी थी। देखो ये तो हमें हमारे भारतीय लोग,
अच्छा रामायण लिख दीजिए, आप कह रहे हैं मैं मान लेता, मुझे तो लगा था महाभारत लिखी है, रामायण लिखी है। ये तो देखो हमारे शास्त्र की इतनी तो नॉलेज रह गई हम लोग को, शास्त्र ज्ञान कितना है आज के समय पे, ये देख लो ये स्थिति है भारत की। और हम वही समृद्ध भारत अपने आप को हमारी संस्कृति पे गौरव करते हुए कहते हैं हम भारतवासी हैं, लेकिन वाल्मीकि ने रामायण लिखी ना महाभारत लिखी, उस पर भी संदेह है। तो वाल्मीकि ये संत बनने से पहले ये पूर्व में एक शिकारी थे, ये क्या करते थे पशुओं को मारते थे, पशुओं को मार के और अपना जीवन यापन करते थे, ये डाकू थे, डाका डालते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास में कभी नारद जी आए तो इन्होंने नारद जी को लूटने की कोशिश करी, बोले बाबा निकालो तुम्हारे पास में क्या है। तो नारद जी ने बोला तुम ये चोरी चकारी कर रहे हो, ये ठीक काम नहीं है, ये पाप कृत्य है, तुमको पता है। बोले हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तो बोले तुम ये पाप कर्म कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो, पैसा कमाते किस लिए, परिवार पालन करने के लिए ना। बोले तुम जिस परिवार के लिए ये पेट चोरी चकारी कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इस पाप में भागीदार बनेगा। बोले हाँ निश्चय बनेगा। बोले जाके एक बार पूछ के आ जा। यहाँ पे रत्नाकर बोलने लगा, बोले बाबा तुम तो बड़े होशियार हो, मेरे को कह रहे हो परिवार में पूछ के आ जाओ, तुम यहाँ से पीछे से भाग लोगे। बोले नहीं नहीं मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तू जाके परिवार में पूछ के आ कि तेरे पाप का भागीदार वो बनेंगे कि। अभी रत्नाकर जब घर में आया तो इसने अब सबसे पहले माता पिता से पूछा, बोले आपको पता है मैं पैसा कैसे कमाता हूँ, मैं डाका डालता हूँ, मैं चोरी करता हूँ और उससे पैसा कमाता हूँ, ये पाप कृत्य है और इस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे। तो माता पिता बोलते हैं, बोले हमने तेरे को बड़ा करके होनहार बना दिया, अब तू कैसे भी पैसा कमा रहे, तेरी ही हेडेक है, हम क्यों माथा फोड़ी करें इसे, हमें कोई मतलब नहीं, तो कैसे पैसा कमाता है। तो उसने पत्नी से पूछा, पत्नी और बच्चों से पूछा, बोले तुम तो मेरे पाप में भागीदार बनोगे ना। पत्नी कहने लगी, बोले देखो जी घर का काम मेरा, बाहर का काम तुम्हारा, तुम पैसा कैसे कमा रहे हो ये तुम जानो, हमें तो लाके दे दो हम चूल्हा चौका कर लेंगे, है ना। पत्नी ने भी पाप में भागीदार बनने से मना कर दिया, बड़ा दुखी हो गया। बोले जिनके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ कोई भी मेरे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, सारा मेरे को ही भोगना पड़ेगा। वापस आया जब नारद जी के पास में, नारद जी ने तब इसको कहा, देखो तुम ये सारे पाप कर्म जो कर रहे थे उसको छोड़ दो, इतना तुमने पाप कर्म किया है, अब उसका प्रायश्चित करने के लिए बोले क्या करना पड़ेगा, उसने पूछा, रत्नाकर ने पूछा। तो वाल्मीकि जी ने उससे कहा कि तुम राम बोलो, बोलो राम, बोलो राम, आप लोग भी बोलो राम जोर से राम। देखो आप लोग तो पुण्यात्मा हो इसलिए आपके मुख से राम नाम निकल गया, लेकिन वो इतना पापी था कि उसके मुख से नाम ही नहीं निकल रहा था, उसके मुंह से राम नाम ही नहीं निकल रहा था। तब वाल्मीकि जी ने उससे कहा कि तू बोलते थे मारो मारो मरा मरा, तो तू मरा मरा तो बोल सकता है। बोले हाँ मैं मरा 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 बोल सकता हूँ, मरा 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 करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उल्टा नाम जपते 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 मरा 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 करते करते राम हो गया, राम नाम का जाप करते करते इतने श्रेष्ठ हो गए वो कि भगवान राम के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी, भगवान राम के आने से पहले उन्होंने रामायण की रचना कर दी। किसके बल पे, भगवान के नाम के बल पे, है ना, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन पापी व्यक्ति के मुख से ही भगवान का नाम नहीं निकलता। और दुनिया जहान की बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन एक जगह बैठकर बोलो भगवान का नाम जब करो तो उसमें आलस आता है, उसमें नींद आती है, दुनिया जहान के बहाने सूझते हैं, लेकिन एकमात्र भगवान के नाम से ही कलयुग के अंदर सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है इस भगवत नाम का आश्रय लेते हुए अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। हरे कृष्ण। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन, श्री लोकेश पाठक हम लोगों के परिवार में सबसे लोग पधारे, घर में भगवान की सत्संग भगवान की कीर्तन हो रही है। इसलिए शास्त्र कहता है जिस घर में संत लोग आए, जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन हो, वो घर नहीं वही वृंदावन धाम बन गया। कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। इतना मंगल भवन अमंगल आदि, घर का जितने दुख कष्ट पाप भगवान का कीर्तन होने से घर से सबके सब भाग जाते हैं। अगर संत लोग आए कीर्तन क्या भाग्य है, अगर हम घर में ही सब बैठ करके प्रभु का भजन करें पर पाप कभी तुम्हारे घर में घुसेगा नहीं। लेकिन अगर घर में बैठ करके दूसरे दूसरे के चर्चा करोगे निंदा चुगली करोगे पर पाप घुसा जाएगा।
में फिर पाप भूल जाएगा। इसलिए हर समय क्या करो, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन हर समय करते रहो, ठीक है ना। इसलिए भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, देखो जो जीवन है कहते 184 भ्रम के ये नर बनते, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये जीवन मिला, ये ऐसे नहीं मिल गया है। ये जीवन पाने से पहले पता नहीं कब सुअर बने, कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, कभी पेड़ पौधे बने, कभी मुर्गा बन गए तो मुसलमान सीता गले को घोट करके खा लिए, कभी बकरा बकरी बन गए तो टांग उतार करके चमड़ा उतार दी है। ये सब जीवन कष्ट, बड़ा कष्ट के बाद में जीवन मिला है भगवान के। इसलिए क्या करो, ठाकुर जी कहते जितने जल्दी से जल्दी प्रभु का भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि ये इंसान का जीवन में ही प्रभु का भक्ति कर सकते हैं। इंसान के बगैर और किसी को बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले और कोई बोल सकता है क्या? सबका मुक्ति का मार्ग बंद है, केवल ये इंसान जीवन में मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। इसलिए भगवान कहते तृणम, बोले जल्दी जल्दी प्रभु का भजन कर लो, हैं जितना जल्दी हो प्रभु की भक्ति कर लो, इसको बोलो ना भजन करो। बोले कोई उम्र है भजन करने का? हम तो बच्चों को लिखाई पढ़ाई करेंगे, फिर शादीशुदा करेंगे, फिर बच्चे होएंगे उनको शादीशुदा करके जो बूढ़े हो जाएंगे ना, एक दो माला सत्कार लेते, और अभी से क्या भजन, कभी बूढ़ों को बोलो हरिनाम कर ले बूढ़े से। कोई कर रहे हैं भजन? कोई नहीं कर रहे हैं भजन। इसलिए कहते हैं भक्ति जितने जल्दी जल्दी, प्रहलाद कहता है 5 साल उम्र से भजन करो। कितने साल उम्र से? मीरा का नाम सुन लो, पता है कितने साल उम्र में भजन की? 5 साल उम्र। ध्रुव महाराज का, प्रहलाद का नाम सुनो, वो 5 साल उम्र से भजन किया। तुलसीदास का नाम सुनो, वो 5 साल से भजन किए। हनुमान का नाम देखो, 5 साल से भजन किए। कोई बूढ़े होकर भजन नहीं किए, सब बचपन से भजन किया, क्योंकि अभी कोरोना आई ना, कितना लोग मर गए। हम पास में कोई गारंटी कार्ड थोड़ी रखा हुआ, कितने हैं कितना साल में मरेंगे, कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकते हैं। कभी मृत्यु आकर कहते कोरोना की तीसरा लहर आ रही, फिर बच्चों को बुलाए हैं। इसलिए क्या करो, जितने जल्दी जल्दी करो भगवान के भजन में लग पड़ो, भगवान की भजन में लग पड़ो। भगवान कहते इसी जीवन में ही मुक्ति मिलेगी और किसी जीवन में नहीं। और भगवान की भक्ति करके फिर भगवान के पास में चले जाओ, फिर दोबारा संसार में तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा। पास जन्म मृत्यु दुख कष्ट सब तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी क्या करो, प्रभु का भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति करो, ठीक है ना। और भगवान की भक्ति करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। कितना चीज की जरूरत है? बोले 3 चीज जरूरत है। उदाहरण देते हैं, जैसे तुम विदेश जाना चाहते हो, अगर किसको विदेश जाना है बताओ तो कितना चीज चाहिए तुम्हारे पास में? अगर कहीं विदेश अमेरिका लंदन फ्रांस से जाना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास में क्या चीजें बनी चाहिए? जा सकते इसलिए पहला नंबर होनी चाहिए पासपोर्ट, वीजा, उसके बाद में टिकट। बोले भक्ति जगत में अगर तुम प्रभु के पास में जाना चाहते हो ना, तुम्हारे पास में 3 चीज है। पहला नंबर पासपोर्ट बना दो। पासपोर्ट क्या? बोले गले में तुलसी कट्टी पहनो, गले में तुलसी कट्टी जरूर पहननी चाहिए। तुलसी कट्टी के बगैर शरीर पवित्र नहीं होता। ठाकुर को कभी भोग लगाते हो? कौन कौन ठाकुर को भोग लगाते हो? हाथ उठाओ। आप देखना, भले ही ठाकुर के सामने जो मुझे कर दो, जब तक उसमें तुलसी पता नहीं दोगे ना, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। दाल भात में अगर तुलसी पता दे तो प्रसाद हो जाता है। उसी तरह जो शरीर है ताती पेशाब का थली है, इसलिए गले में अगर तुलसी कट्टी पहन लिया ना, ये ठाकुर का चरण में समर्पित हो गया। आज से तुम गोपीनाथ का बन गया। किसके बन गया? गोपीनाथ देव का बन गया। क्यों? गले में तुलसी कट्टी पहन लिया। ये तुलसी लक्ष्मी है, ये तुलसी में भगवान नारायण का निवास है। इसलिए जब महाराज कहते हैं जो प्रभु का भजन नहीं करते उनको पकड़े पकड़े ले आओ, जब जो कहते कैसे पता चलेगा कौन भजन करता है कि नहीं करता, तब उन्होंने को उदाहरण दिया। जैसे सदवास्ते, हमें कैसे पता चलता है तुम सदना सदवाना विधवा है? पता कैसे चलता है? सिंदूर लगा, बांग भरे, नाग में बसर पहने हो, चूड़ी शंखा पहने हो, कि जगत का पति के लिए तो इतना श्रृंगार कर दिया तुमने, लेकिन जो असली पति है उसके लिए तुमने क्या श्रृंगार? कुछ नहीं। इसलिए जब महाराज कह रहे हैं कि तो उनको पास में 3 लक्षण दिखेगा जो भजन करते हैं। मतलब पहला लक्षण गले उनको दिखेगा त्रिकंठी का, गले में तुलसी की माला दिखेगी। दूसरे की क्या चीज? ललाट तिलक, ललाट में तिलक। और तीसरी चीज दिखेगी
प्रभु का नाम जप करते हैं। अगर ये तीन चीज देख लेना, समझ जाना, ये गोविंद देव का आत्मा, ये गोपीनाथ का, उनको मेरे पास मत लाना। इसलिए गले में अगर तुलसी कटी रहेगी तो तुलसी ये लक्ष्मी है, इसको धारण करके जो स्नान करता है ना उसका पानी सारा शरीर में जाएगा, जितने सारे बीमारी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना हो जाएगा। गले में अगर कंठी पहन लिया तो जब महाराज कभी नहीं ले जाएंगे, जब दूध कभी नहीं ले जाएंगे। इसलिए उदाहरण देते हैं, हैं बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू और एक फालतू। बोले पालतू जो घर में रहता है तेना गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता कि किसी घर की कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते हैं देना बिजने पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं। अब देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए अगर गले में तुलसी कटी है हम गोविंद देव के, किसकी पालतू है, हम गोविंद देव के पालतू हैं, ठाकुर जी के पालतू। जब दूध कभी तुम्हारी तरफ में निगाह नहीं उठाकर कभी देख रहा नहीं, अगर गले में कंठी नहीं ना सब फालतू कुत्ते हो जाए। अब देखना कुत्ते अगर गले में ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, सरकार में बोल देते ज्यादा कुत्ते हो गए कांट रहे, अरे सरकार का आदमी आपने गोली मार देता है, लेकिन कौन सा कुत्ते को गोली मारेगा जो फालतू बुद्धि होते हैं, फालतू को नहीं मारेगा, नहीं तो पकड़ कर ले जाएंगे और चिड़ियाखाने में शेर को सामने डाल देते, नाश्ता कर लेते हैं। इसलिए गले में तुलसी गलती होगा तो फिर जब दूध तुमको नहीं लेगा, बोले भैया गोविंद देव का आदमी है। दूसरी चीज तिलक है, ये तिलक को जरूर धारण करनी चाहिए। तुम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे तुम लोग सधवा माता है सिंदूर लगाई मांग भरी है ना, है तिलक लगाई है। हमारे भारत में देखना जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए जाए अच्छे काम लिए सिंदूर लगा कर छोड़ दिया, तिलक लगा के घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक तुम्हारी तिलक नहीं लगाएगा तब तक पूजा नहीं करेगा। क्यों, तिलक के बगैर तुम्हारी निष्फल हो जाती है, सब निष्फल हो जाती है। इसलिए अब गोपीनाथ गोविंद देव को देखना तिलक लगाएंगे, भगवान राम को तो तिलक लगाएंगे, हनुमान जी का देखो, गणेश जी का देखो, कोई भी 33 करोड़ देवता में देखो तिलक के बगैर ठाकुर भी नहीं रहते, भगवान भी तिलक के बगैर धारण नहीं करते, लेकिन तिलक ऐसे फोटा नहीं ऐसे नहीं। अब कृष्ण को देखना, राम को देखो, कन्या को देखो तिलक कैसे ऐसे लगे हैं। इसलिए कहीं राम को देखो तिलक खड़े तिलक, हनुमान जी को देखो खड़े तिलक होने चाहिए, इसलिए फोटा लगा दिया घूमते रहो फोटा लगाओ घूमते रहो। इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व पुत्रा जो हमें ऊपर ले जाएगा, ये ब्रह्मा बीच में विष्णु ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसलिए तिलक धारण करना ठीक है ना, गले में तुलसी कंठी पहनो, अपने आप नहीं किसी साधु को हाथ से पहननी चाहिए, किसी साधु की हाथ से तुलसी कंठी लेनी चाहिए। क्या जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं है तुम ठाकुर जी के लिए भोग नहीं लगा सकते हो, ठाकुर के लिए रोसी भी नहीं बना सकते, तुम्हारे हाथ का खाना ठाकुर नहीं खाते। क्यों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खीती जगह पाप का गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये शरीर को कहते अधम है, ऊपर केवल चमड़ा से ढकी हुई, अंदर में क्या है वो टाटी पेशाब खून पीक से सने भी और कुछ नहीं, इसका पेट फाड़ के रख दो तो भाग जाए नहीं यहाँ से, इतने टाटी पेशाब खून पीक से भरा हुआ है ये शरीर। जब तक दाल भात चावल में तुलसी तल देने से ठाकुर को भोग लग जाता है, ये शरीर में जब तुलसी कंठी पहन लिए ये शरीर ठाकुर की हो, गोविंद देव का गोपीनाथ का इस शरीर बन गया ठीक है ना। सब गले में फालतू कुत्ते वगैरह मत घुमा कर, सब गले में तुलसी कंठी पहनो ठीक है, भगवान की पालतू और फालतू नहीं ठीक है। कौन कौन फालतू यहाँ पालतू, सब तो फालतू बैठ बैठा है, एक भी फालतू नहीं दिख रहे, फालतू ही दो चार दिख रहे हैं फालतू है, और सब फालतू यहाँ बैठ रहे ठीक है। सब मंदिर में आकर गले में तुलसी कंठी ले आए, और जो चौथे जो चीज है ठाकुर जी की नाम, तुम लोग तो हिंदू है, हिंदू है ना मुसलमान हिंदू, देख लेना जब कोई व्यक्ति की शरीर छूटता है, जब उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो व्यक्ति है, सब कोई बात होता, मतलब क्या वो व्यक्ति को सुनाते हैं, बोले बेटा जीवन में जितने राम का नाम लिए, जीवन में जितने गोविंद देव का नाम लिए हैं, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जगत में जो कुछ किए हो सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ में नहीं जा रहा है, पत्नी जाएगा तो जिसको सात फेर लगा कर शादी की, पत्नी जाएगा तो दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं चलेगी तुम्हारे साथ,
परिवार वाले जाएंगे शमशान तक जाएंगे, वहीं पर जला करके कहाँ कहाँ करते करते वापस आ जाएंगे, उसको आगे कोई भी तुम्हारी काम देने वाले नहीं। इसलिए विजया कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन पायो, विजया कहती हैं जीवन में तुमको मिला क्या है, बोले जितने राम का नाम लिया जितने कृष्ण का नाम लिया वही मिला, हर जगह में सब ही खुगायो। बची चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, इसलिए जगह में सब ही खुगायो, जगत में सब खोए। कहते वस्तु अबोलो को दीप रे सदगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन रतन पायो। बोले धन मिली कहाँ से, बोले ये गुरु जी से मिला। बोले ये धन कैसे हैं, बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सब। ये ऐसे का धन है ना, जैसे इसी जगत का धन शरीर छूटते ही छत दूसरों का नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ से एक पैसा भी नहीं ले सकते भले करोड़पति हो तुम, शरीर छूटते ही आँख बंद होते ही सारे संबंध यहीं खत्म हैं, एक सुई धागा भी यहाँ से हमारे साथ में नहीं जाएगी, सब छोड़ कर जाओगे। लेकिन जो प्रभु का नाम रूपी धन को जो लुटा है, इसलिए विजया कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली है। सब जानते हो, कहते असली धन क्या है, भगवान राम नाम की हीरे मोती यही असली धन। बोले जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुए सोना चांदी माया वालों मैं समझाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली है। सब जानते हो ये ऐसे जिन जिन्होंने ये मोती लूटे सब माला माल हो गए, लेकिन केवल इस जगत का पैसा को जिंदगी भर कमाते कमाते जो मर गए मुट्ठी बांधी आया जगत में हाथ पसार दिया, आते समय देखो बच्चे जन्म दिया, बच्चे जन्म दिए कौन कौन दिए, देखना बच्चा जो आता है ना हाथ मुट्ठी लेके आता है अपना कर्म फल को लेकर के, आप देखना जो मरता है कहीं जाता है, देखो मरते समय खोला हाथ ऐसे हाथ कर दिया, बोले यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे, आते समय तो कर्म का फल लाए हो और खोल कर भी जाए हो तो यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो, जितने राम और कृष्ण किया ना बस वही जा रहा है, और सब जगत में छोड़ करके जा रहे हो यहाँ से हैं। इसलिए कहते ये कहते कौन कौन धन को लूटे, बोले तुलसी मीरा और नरसीता, तुलसीदास का नाम देखो अमर हो गया, हनुमान का नाम देखो अमर हो गया, वीरा बाई का नाम देखो अमर हो गए कि नहीं, कहते ये अमर क्यों हो गए हम क्यों मर गए, ये अमर क्यों हम क्यों मर गए, इसलिए अमर हो गए प्रभु का भजन किया है, प्रभु की माला जप किया इसलिए अमर हो गए, लेकिन हम क्यों मर गए, हम क्यों मर गए, नाम नहीं लिया कुछ नहीं लिया, जिंदगी भर उल्टा पुल्टा बात में समय गमाया, दूसरे के चुगली निंदा करते हुए जीवन बिताया, हरि का नाम नहीं लिया, इसलिए हम सब सब कंगाल हो गए। और धनी कौन बन गए, मीरा का नाम सुनेंगे नहीं, कौन कौन सुने मीरा का नाम, देखना जो भजन कर रही थी वो तुम्हारी हमारी घर की जैसे बहू बेटी नहीं थी, राणा की राणा की राधा राणा प्रताप का पत्नी थी, साधारण नहीं थी, दिन भर संतों का टोली में घूमती थी, तिलक कंठिल माला लेकर दिन भर कृष्ण का नाम लेती थी, परिवार विरोध हो गए सब, उसका जेठ ननद सास बहू सबके सब विरोध हो गए, बोले तो राज करके रानी होकर क्या कर रहे हो, संतों के बीच बीच में घूमती हो, हमारे कोई लाज शर्म है कि नहीं है, जब देखो माला लेकर हरे कृष्ण करके जाते, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ी, भजन छोड़ दी, दुनिया छूट गया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ा, और लास्ट में जाकर प्रभु के शरीर में लीन हो गया। देखो सारा दुनिया जिसके नाम लेते, सारा दुनिया जिसके नाम लेते, अगर भगवान की भक्ति करोगे ना जिंदगी भर तुम्हारी बास जगत में अमर बन जाओगे, जगत में फिर मरोगे नहीं कभी चिरकाल के लिए दुनिया में। जैसे हनुमान का नाम देखो, हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन, यही तो कहते हैं राम की तो सेवा ही करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं क्या करते हैं, वही भी कहते सीताराम सीताराम सीताराम, तभी जगत में अमर हुए। अगर हम भी ऐसे प्रभु का नाम लेंगे ना गोविंद गोपीनाथ का,
तुम भी अमर हो जाओगे हैं। इसलिए क्या करो, कभी ये टिकट है, यही टिकट अंतिम समय में काम आएगा और इस जगत का कोई भी काम में आने वाले नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, अपना समय को भजन में लगाओ। सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले माला जप करो। सबसे पहले क्या करो, जितने जिसको हम कर्तव्य समझ रहे हो, हमारी ये कर्तव्य सब कर्तव्य को पीछे रख दो, ये थोड़ी देर बाद में होगा, वो थोड़ी देर बाद में हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले सवेरे उठ कर क्या करो, तुम्हारी मैया की मैया को देखो तो पहले क्या करती थी, सवेरे उठ कर ठाकुर का स्नान कराते थी, ठाकुर का आरती करती थी, रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, यही करते ना तुम्हारे पूर्वज को देख लो, सबसे पहले यही करती थी। तुम लोग तो राजस्थान के लोग हैं, यहाँ के तो सब भक्त हैं। राजस्थान के ऊपर ना बेचल संपूर्ण दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को कृपा है राजस्थान पर भगवान की विशेष कृपा है। मीरा की देश में तुम लोग हैं, संतों की देश में जन्म हुए हो। इसलिए क्या करो, गले में खड्डी पहनो, फालतू मत मनो, और क्या करो, तिलक लगाओ। ऐसे खड़े तिलक देखो, ऐसे वो तिलक लगाते हैं, खड़े तिलक लगाओ। गोविंद देव को देखना ऐसे तिलक लगाते, गोपीनाथ को देखना यही तिलक लगाते। तिलक लगा दी गोपियों की चरण धूली, तो कोई मिट्टी नहीं, ये द्वारका से आते हैं। ये नारद जी ब्रजवासियों का चरण धूली लेकर द्वारका गए, भगवान कृष्ण स्नान के वहीं से ये मिट्टी आती है तिलक। ये जहाँ तहते नहीं मिलती है, ये ब्रज रज को शरीर कर लगाओ, ठीक है ना। और ये माला लेकर के हरि नाम करो हैं। एक समय चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन। भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करोगे, बोले जो लखपति बनेगा। जो लखपति ऐसे 5.5 साल पहले, लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो साधारण थे, बोले प्रभु आप लाख की बात करते हो, हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर हो, आप तो लाख की बात कर रहे हो, अरे हमारे घर में भजन नहीं करोगे। अरे भगवान समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोलो कौन, बोलो रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। है? देखो मेरी तरफ में कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, कौन कौन जानते हो अमिताभ बच्चन का नाम, सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर ठाकुर जी कहते कौन बनेगा लखपति, मेरे तरफ में देखो कैसे लखपति बनेंगे, ये माला है। हैं? जब माला जब अच्छे तरह सीख लो यही काम में आएगा, और कोई काम में नहीं आएगा। जब माला जब करते हैं ना ये अंगुल को बाहर निकालते हैं और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। एक बोलते सब अच्छे तरह सीख लो, फिर एक माला दे जाओ लोग, पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। और एक बार बोला, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माला करते करते जैसे यहाँ खत्म हो जाएगा, याद रखना जैसे यहाँ खत्म हो जाएगा ना, ये अंगुल को पार नहीं करना, ये अंगुल को पार नहीं करके कैसे घुमाना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से माला करना, ठीक है। देखो 1,00,000 कैसे होते हैं, थोड़ी लिखी पड़ी है कि नहीं, कौन कौन लिखी पड़ी है अच्छे तरह समझ लो। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। एक बोलती में इसमें 60 बोलती हैं, जब खत्म हो जाती फिर पलटा लोगे। अगर तुमने जैसे 16 माला कर लिया, हिसाब से होता है 25,000, अगर 64 माला कर लिया तो हो जाए 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं किया, बोले क्या हुआ, बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फीस डिपॉजिट हो गया। चौसठ माला करने में हो जाता है एक लाख। तो बहुत हो जाएगा ना, तो और ज्यादा हो जाएगा, नुकसान थोड़ी है उससे, नुकसान थोड़ी क्यों, लाभ ही लाभ, माल ही माल है, ये माला नहीं माल है। इसलिए कभी सुना सुन लो, इसलिए ये हो गया, इसलिए कहते तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया डिपोजिट हो गया। बोले ब्याज कितना,
इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। बिजली मीरा देती है दिन दिन बढ़ो सवायो पायो राम रतन। आज अगर 1 लाख नाम किया कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी, 1 दिन में 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में इतने, और अंतिम समय में ना पूरा के पूरा तुम्हारी साथ में जाएगा। कबीरा का नाम सुना कबीरा, वो कहते हैं ये जगत में अभी कोरोना आया था ना, जगत में सबको घर में बंद कर दिया, घर में अभी बक्स ला के बदवा दिया, क्यों हम कोई मरना नहीं चाहते है ना, सबको घर में बंद कर दिया, कोई घर में बाहर नहीं इतने। लेकिन ये कबीर कहता है जगत में मरने में सब डरे लेकिन मेरा मन आनंद है, कि जगत में सब मरने के लिए डरते हैं, पता कौन मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन वो कभी कहते मेरा मन तो खुश हो रहा है। किसने पूछा भैया मरने के लिए सब डरते तो खुश क्यों, बोले कब मरी और कब भेटी और परमानंद। वो कहते हैं जिंदगी भर मैंने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया, मेरे को पता है ये सब के धन मेरे साथ में जाएगा, मेरे लिए VIP व्यवस्था वैकुंठ से रथ आएगा, मेरे को रथ लेकर जाएगा प्रभु का धाम। बोले क्यों, बोले जिंदगी भर मैंने प्रभु का भजन किया है। बोले लोग क्यों डरते हैं, बोले भजन नहीं किया मरने के बाद जम तो डंडे मार मार कर ले जाएंगे उसको, 84 नरक में भोग कराएंगे, इसलिए डर रहे हैं भजन नहीं किया ना, लेकिन जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम लिया हम तो खुश हो रहे हैं मर के। हमारे लिए तो जैसे बैंक में पैसा रखा हुआ ये जितने माल निकालो खाओ, लेकिन बैंक ब्याज बैलेंस है ही तो मिलेगा कहाँ से, असली बैंक बैलेंस क्या है प्रभु का नाम है, ठीक है ना, क्या करना सब हरिनाम कर मंदिर में आ जाना आज शाम आकर के एक माला ले आना, तुमने माला ली थी, तेरे को पूछ रहा हूँ तुम्हारी पत्नी कौन है, ये माला ली थी मंदिर में नहीं ली ना, आकर माला ले आना ठीक है, गले में कर दी भाई ना, तुमको भक्त है ना भगवान की, तुम ही रसोई बनाओगे तुम ही भोग लगाओगे, तुम ही रसोई बनाओगे तुम भोग लगाओगे, गले में कट्टी नहीं तो ठाकुर खाएंगे नहीं तुम्हारे हाथ में कोई चीज, ठीक है। हाँ इधर सुना माता है तो वहीं पर बैठ जा जहाँ पर हो, इधर सुना अब एक बात पूछ रहा हूँ, सही सही बोलना झूठ नहीं बोलना, अब बताओ कौन सही बोलेगा कौन झूठ बोलेगा, झूठ नहीं बोलना, हाँ देखो झूठ नहीं बोलोगे ना, ये बताओ प्याज लहसुन कौन खाते हाथ उठा, देखो एक बात समझ लो माता जी वहीं पर बैठो जहाँ पर बैठो वहीं पर बैठ जाओ चेयर में बैठो चेयर में बैठ जाओ, हाँ देखो एक चीज समझो, देखो घर में जो खानी चाहिए उसको ठाकुर को जरूर भोग लगना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंज समझते हो संस्कृत को समझते हो, कृष्ण कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा, चेयर में बैठो ना माता चेयर में बैठ जाओ चेयर में बैठो चेयर में बैठो, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा, ऐ तुम बैठो जे पचन आत्म करना, मतलब है कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो अपना लिए भोजन बना करके मेरे को बगैर भोग ला कर खा देते हैं भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन करता है। मनु संहिता कहता है जो व्यक्ति ठाकुर को भोग नहीं लगता है गोविंद को गोपीनाथ को खुद बना कर खाते हो, कहते स्वान विष्टा, कहते कुत्ते का टाटी खाना और दाल चावल खाना बराबर, ये मनु संहिता कहते हैं, बोले नील नील बदर पानी, कहते पेशाब पीने के बराबर जो चीज़ ठाकुर को भोग नहीं लगा, लेकिन जो चीज़ ठाकुर को भोग लग गया भगवान का अमृत भोजन कर। मीरा का नाम तो सुनियो, राणा ने भेजा 20 का प्याला अमृत करके पी लिया, क्योंकि गिरधर को भोग लगाए बोले तो खाते नहीं, भेजा उनको मारने के लिए क्या भेजा जहर, लेकिन गिरधर को भोग लगाया तो अमृत हो गया अमृत पी लिया भैया ठाकुर को भोग लगने पर। लेकिन अगर प्याज लहसुन खाओगे ना ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते, नवरात्रि रखते हो नवरात्रि रखती हो देखना 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन घर में नहीं घुसाते, नहीं घुसाते ना, क्यों नहीं घुसाते, माता जी को पसंद नहीं तभी नहीं घुसाते ना, ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा फिर, इसलिए उनको पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो, ठाकुर को पसंद नहीं तभी तो भोग नहीं लगता है ना। बोले क्यों पसंद नहीं, पुराने में बताती हैं पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, कोई गैया बूढ़ी हो जाता था ना उसको मरने दे देते थे, वो माँ है यज्ञ करके उसे बलिदान दे देते थे, ऋषि जब मंत्र पढ़ते थे गैया बूढ़ी गैया जवानी बन जाती थी, कोई गैया बूढ़ी हो गई
सब लोग वहाँ एकत्रित होकर गैया की बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के लोग होते हैं, किसने देखकर खाने की इच्छा होगी, बोले खाओ कैसे, सबके सामने उसने रात में छुपा दिया, सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़े, फिर गैया जबानी बंद कर प्रकट हो गई। लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपाया था वहाँ पर घा भरा भरा नहीं, ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, हिसाब दे दिया, बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ दिया, मांस जैसे लाल लाल रंग का वहाँ प्याज की पौधा हुई, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, प्याज कच्चा प्याज खाओ मुँह से बदबू आएगा, यहाँ प्याज का तो पता लगा कहीं प्याज कट रही है, आंखों से आंसू आ जाती हैं, इसलिए ये नवरात्रि में 9 दिन तक उसको कोई खाते नहीं, और ये गोविंद देव को भोग भी नहीं लगता, क्यों, ये गैया का मांस से बना हुआ, जहाँ पर हड्डी वहाँ लहसुन की पौधा हुई, जहाँ पर खून का बूंद वहाँ पर मसूर का हुआ है, इसलिए देखना तुम्हारे घर में एक पीढ़ी पहले देखना तुम्हारे घर में नहीं आती, फिर भी हर हिंदू घर में देखो तोता सही कहता, हर हिंदू घर में पहले क्या होता था, ठाकुर को भोग लगता था, लेकिन ये प्याज लहसुन मांस मछली अंडा कौन लगा, मुसलमान, ये मुसलमान लोगों ने मोगल लोगों ने लाए और हमको खिला खिला कर सब मुसलमान बना दे, हम वो तो हमारे कोई धर्म नहीं है, हम एक पहले प्याज खाएंगे, फिर अंडा खाएंगे, फिर मांस खाएंगे, फिर दारू पिएंगे, ये सब हमारी वजन नहीं है, ये सब हमारी वजन नहीं, हमारी वजन है राकेश वजन है, समझ रहे हो, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता हमें भी नहीं लेनी चाहिए। सुदामा का नाम सुने हो, ये पहले गरीब बना बाद में धनी, क्यों गरीब क्यों धनी के बना, गरीब इसलिए बना जब गुरुकुल में गए थे उनको गुरु माता उनको चाना दिया था, सुदामा को कृष्ण को देख कर खा लिया, लेकिन सुदामा क्या किया, छुपा छुपा कर खाया, इसलिए गरीब बना। धनी का बना भगवान के लिए जो 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर 1 मुट्ठी खाए 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ को बोले नहीं आप 2 मुट्ठी खा लिया ना उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर 3री मुट्ठी खाओगे मैं लक्ष्मी दासी बन जाओगे, टीवी में देखेंगे नहीं सुदामा कृष्ण सुदामा, राजभवन दे दिया ठाकुर जी, क्यों ठाकुर जी को दिया है, समझ रहे हो, अगर ठाकुर जी को भोग लगाओगे ना घर तुमको माल आएगी, ठाकुर को भोग नहीं लगाओगे ना फिर दरिद्रता आएगी घर में, समझ रहे थे कि नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए बोलो, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, खाने के लिए भगवान कितने चीज दिया, कितने तरह गरम मसाला है, कितना हींग रखो, अदरक रखो, जीरा रखो, कितने तरह का मसाला जगत में प्रभु ने बनाया है, उसको छोड़ करके प्याज प्याज खा रहे जो चीज़ ठाकुर को पसंद है, ठीक है ना, हाँ इसलिए हरिनाम करो और मंदिर में आ जाना, सब मुझे कट्टी ले आना और एक माला ले आना, और ये बच्चों को ना ये बच्चों को बोलो हरिनाम करो, देखना जिस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है इनको बोले एक माला जप करे अपने आप मन पढ़ाई में लगेगा, देखो उसमें हरे कृष्ण हरे मतलब क्या हमारे दुखों कष्ट को जो हर कृष्ण मतलब क्या मन चंचल भटकता है मन में शांति नहीं मिलती, कृष्ण नाम करो कृष्ण मतलब आकर्षण करना, कृष्ण नाम लोगे कि मन नहीं भटकेगा है मन को शांति मिलेगा, राम मतलब आराम मिलेगा जीवन में, अगर प्रभु का नाम करोगे दुख जाएगा जीवन में आराम आएगा मन भटकेगा नहीं मन को शांति सुख मिलेगा। अब बताओ जीवन में कौन शांति सुख नहीं चाहता, सब चाहते हो शांति सुख है इसमें सब आए सब चाहते हो, अगर शांति सुख चाहते हो प्रभु का नाम करो भजन करो और जीवन में खुशी, ठीक है सब वृंदावन आज सात को आ जाना मंदिर में और एक दिन माला ले आना, मैं भूल गया माला लेने खिलाने के लिए, जितना लाभ है उतना हानि है, हम लोग तो करोना पड़ा कुछ नहीं हुआ, हमें साधु संत को ज़्यादा नहीं हुआ, क्यों ये सब सब वेजिटेरियन है, अब ज़्यादा जिसको जो मांस मछली खाए उनके ज़्यादा हुआ है, इसलिए कोई चीज़ में थोड़ी सी लाभ होने पर भी दूसरे तरफ में देखोगे ज़्यादा हानि, जितना लाभ है ना उससे कई गुण ज़्यादा हानि, हम तो खाते नहीं हम कोरोना कोरोना हुआ है हम चंगे हैं सब जो खा रहे तो उनको ये सब कोरोना हुआ है, देख लो उठा कर देख लेना जो जो कोरोना हुआ है जो ज़्यादा प्याज खाते तो उनका ज़्यादा हुआ है उठा कर देख लो, इसलिए हरे कृष्ण और एकादशी व्रत रखे हो, ठीक है एकादशी व्रत कौन कौन रखते हो, एकादशी व्रत कौन रखा हुआ, हाँ देखो जो एकादशी व्रत है ना 2 मिनट सुनो, एकादशी व्रत है कि जितने व्रत में ये सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत को बताया कि कल्पतरु व्रत, कल्पतरु मतलब होता है जिस वृक्षों के नीचे बैठ करके जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा,
जैसे कोई सोम करता है, कोई मंगल, कोई अलग अलग व्रत रखते हैं, लेकिन जो एकादशी व्रत कभी ग्रंथ हो तो पढ़ लेना। एक एकादशी का नाम इंदिरा, आप पढ़ के देखना, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिसके घर में लक्ष्मी की कमी है ना, वो एकादशी रखने पर लक्ष्मी आती है। एक एकादशी का नाम अन्नदा, अन्नदा मतलब जिसके घर में अन्न की कमी है उसको करने से खूब घर में अन्न आएगा। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब उस घर में बेटा नहीं हो रहे, जिस घर में बेटा नहीं हो रहे एकादशी व्रत करो घर में बेटा आएगा। अब भागवत पर देखो, नंद बाबा का पहले पुत्र नहीं था, उन्हें सब कर चुका था लेकिन पुत्र हुआ नहीं, लेकिन जब पुत्र एकादशी किया ना कृष्ण घर में आए। इसलिए एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से तुम्हारी सब जगह में विजय होगा, जहाँ जाओ विजय होगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से सर से मुक्ति मिल जाएगी। हर एकादशी का नाम देखोगे अलग अलग इस संसार में देंगे नाम। अगर कोई व्यक्ति साल साल से बिस्तरा में पड़े हुए, मृत्यु नहीं हो रही, टाटी पेशाब कर रही बिस्तरा में, मृत्यु नहीं हो, बड़ा कष्ट पा रहे, किसी पंडित को किसको बुलाओ भैया जल्दी जल्दी इसका मुक्ति कैसे मिले, देखना क्या मिले। बोले कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते, कोई व्रत का नाम नहीं बोले। इतने शक्ति मैंने देखा जो साल साल तक पड़े हुए थे, एकादशी व्रत दिया तो उसी समय शरीर छोड़ दिया, इतने महिमा एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत का जो देवता जी भाग्य बिहारी, ये गोविंद देव है, ये गोपीनाथ है। जैसे दूसरे जैसे सोमवार किसके लिए करते हैं, भोले बाबा के, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश, बृहस्पतिवार लक्ष्मी के लिए भी। अब देखना जो एकादशी व्रत ना भगवान गोविंद देव के लिए, जगत में 33 करोड़ देवता कितना को मनाओ, एक को मनाओ दूसरे मुंह बुला कर बैठे, कहते जहाँ पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब, जिसको पर ये गोविंद देव का कृपा हो गया ना उसको पर सब कृपा कर लेते हैं। इसलिए एकादशी व्रत उनकी व्रत है। कहते एकादशी का दिन अर्ण में गोहत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में आश्रय करके रहते हैं। एकादशी का दिन जो अन्न ग्रहण करेगा वो सारे पाप भोगना पड़ेगा। जैसे सोमवार नहीं करो मंगलवार तक दोष नहीं है तुम्हें, लेकिन एकादशी नहीं करोगे तुमको दोष मिलेगा। इसलिए भागवत कभी सुनकर देखना, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई व्रत का नाम ना, एक एकादशी का कथा आती है। अंबरीश महाराज कहते थे, नंद जसोदा जी करते थे, जिसको पंच पांडव कहते थे, जिसको पंच पांडव रुक्मिणी सत्यभामा जिस व्रत को रखती है, गोपियाँ जिस व्रत को रखती थी, एक एकादशी करो 15 दिन में, क्या है कौन सा एकादशी, एकादशी व्रत रखा करो, ठीक है। और कोशिश करना 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए, उसको बाद में गुटखा पकड़ खा सकते हो, जैसे आलू की सब्जी, दूध, दही, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार खा सकते तो अच्छी बात है, नहीं खाओगे तो अच्छी बात, बहुत अच्छी। अगर भूख लगता है 12 बजे तक रहो, उसके बाद में हैं रोज रोज वही दाल चावल, हमारे मंदिर में तो बाबा लोग कहते हैं कभी एकादशी आएगा कि रोज रोज वही दाल चावल भात खा रहे हैं, लेकिन उसी दिन फ्रूट ट्री बन जाती है, कभी फल बन जाती है, पकौड़ा बना देते हैं, मूंगफली और बखाना का खीर, उसी दिन आनंद आ जाएगा। रोज रोज एक ही चीज़ खा रहे हो, ठीक है। एकादशी का दिन जरूर एकादशी व्रत रखते, बोले एकादशी तिथि की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोले गो